बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज रात के 3 बज रहे हैं और ये लोगों ने रात के 3 बजे जो है आफत मचाई हुई थी इस सारे थर्मापोल शीट से। और जी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, रात को मैंने सोचा कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया जाए, तो मुझे बहुत अच्छी सी एक वेबसाइट मिली जहाँ पे बच्चों के वॉल स्टिकर्स यानी कि बच्चों के रूम से रिलेटेड वॉल स्टिकर्स से घड़ियाँ वगैरह थी और काफ़ी कुछ था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूँ। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्टिकर्स थे कि काफ़ी ज़्यादा मैंने कार्ट में डाले, लेकिन जाहिर सी बात है कि चारों दीवारों पे इतने ज़्यादा स्टिकर्स नहीं लगने थे, तो मैंने उसमें से काफ़ी ज़्यादा रिमूव करके तो 4 स्टिकर्स ही रहने दिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े मुनासिब प्राइस में यहाँ से कोई अच्छे स्टिकर्स मिल जाए तो आप भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मेरा जो बिल है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपया ही बना है, जो कि आज मुझे फ़ोन भी आ गया है तो ये जल्दी जो मुझे है रिसीव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से जो है थोड़ी सी बच्चों के कमरे के लिए जो है वो परचेजिंग की है। साथ में यहाँ पे इसका मूड खराब था सुबह से, वो इस वजह से कि इस लड़की को ना मोबाइल नहीं मिला, तो ये जो है ना नाराज़ होकर बैठी थी कि मुझे मोबाइल नहीं मिला और उन दोनों को आप लोगों ने ना मोबाइल दे दिया। तो काफ़ी देर तक मैं इसको मनाती रही कि बस कर दो, रो मत, तो लेकिन ये जो है ना बच्चे जो आजकल के होते हैं सुनते ही नहीं है और अपनी मतलब ये हम लोग चीज़ लेके ही छोड़ते हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ कह दी है ना बस आप लोगों ने हमें लेके ही देनी है। तो यहाँ पे इसको ग्लासेस दी तो ग्लासेस के बहाने इसको चुप कराया, तो ये देखिए ग्लासेस के साथ जो है ना लगी हुई और आँखों में कितने कितने मोटे मोटे जो है ना वो आंसू है। साथ में यहाँ पर आज हम लोगों ने बड़ी आसान सी दाल बनाई है जो कि यशल की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और यहाँ पर मैं बच्चों को जो है खाना ही खिलाने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने मसल लिए हैं, साथ में जो है वो मैंने रोटी बनाई थी, रोटी के ऊपर मैंने देसी घी लगाया था क्योंकि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि बच्चे जो हैं वैसे तो अमूमन कुछ खाते नहीं हैं, तो इसी बहाने चलें उनके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटीन या थोड़ा बहुत ताकत वगैरह जो है ना वो चली जाती है। और साथ में अपने लिए मैंने थोड़ा सा अचार लिया था ताकि थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। तो साथ में एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं इनको कार्टून ही लगा के दे रही थी ताकि इनका जो ध्यान जो है ना वो ज़रा कार्टून में हो जाए, वरना ये लोग ना मैं इनको खाना खिला रही होती हूँ और ये लोग जो है ना यहाँ से भाग जाते हैं, तो फिर मुझे इतना मुश्किल होता है ना इनको खाना खिलाने में। अच्छा जी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की थी ये बंडल की, तो यहाँ पर मैंने जब इसको हलाना चाहा तो ये इतना ज़्यादा वज़नी था ना, तो यहाँ पर मैं इसको रूम में तो ले आई हूँ, तो उसके बाद मैं आपके जाके भी आपको बताती हूँ कि बंडल को कैसे जो है वो इसको जो बंडल मतलब कैसे जो है ना वो बनाते हैं और इसमें कैसे चीज़ें डालते हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ थोड़ी सी पैकिंग के लिए, यहाँ पर मैंने हाशिर के शाल के और अपने जो है वो कपड़े ढूँढ रही हूँ। सुबह मैं लाहौर जा रही हूँ तो वो इस शाल के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं उसके लिए जो है वो पैकिंग करने लगी थी। तो मुझे यहाँ पे शुक्र है कि कपड़े मिल गए क्योंकि इतनी ज़्यादा पैकिंग के अंदर मुझे कपड़े जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिले थे तीनों के ना। यहाँ पे मैं एक बंडल जो है वो एक्चुअली लेकर आई, एक्चुअली हमारे पास कार्टन्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन वो सब के सब जो है ना वो 2 दिन की शिफ्टिंग के अंदर यूज़ हो गए, तो जो कार्टन मैंने मंगवाए थे वो भी नहीं आ सके क्योंकि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। मैंने आपको दिखाया भी था कि उस दिन बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे खाला ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि तुम लोग ना तुम्हारी जो अभी यूज़लेस बेड शीट्स है या जो तुम अभी यूज़ नहीं करी उसके अंदर तुम ये सारा सामान वगैरह जो है ना वो पैक कर लो, बड़ा अच्छे से आ जाएगा। मैंने कहा खाला क्या बात करी, इसमें सामान कैसे आ सकता है, तो उन्होंने कहा तू चुप कर तो लेके आना। तो जब मैंने बेडशीट उन्होंने ज़मीन पे बिछाई और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, ये आप देख रहे ना कितना ज़्यादा सामान है, ये सारा मेरे वो का वार्डरोब का सामान है जो मैंने हैंग किया हुआ था वहाँ पर, तो ये सारा सामान जो है इसमें आ गया। और उसके बाद जब उन्होंने बंडल बनाया तो मैं हैरान रहेगी कि इसमें तो कार्टन से ज़्यादा जो है वो सामान वगैरह पैक हो गया, और जो कार्टन आए थे वो इतने एक ढीले थे ना कि उसके अंदर आप अगर एक अपने कपड़े रख रहे हो ना तो वो ऊपर आते आते कार्टन मेरे खुल जाना था और कार्टन से सारे के सारे कपड़े जो है ना वो निकल जाने थे। यहाँ पर मैंने बेड को साफ़ वगैरह करके उसके ऊपर अपना सारा जो है ना वो कपड़े यहाँ पर खोल के मैंने बिछा दिए। जब यहाँ पर अलमारी आएगी तो यहाँ पर फ्रंट पर मैं अलमारी यहाँ पर लगा लूँगी और उसके बाद ही सारे कपड़े चले जाएंगे। यहाँ पे ये तीनों बच्चे जो है ना वो मोबाइल के अंदर मसरूफ़ है। आज यहाँ पे मैंने सोचा बच्चों को बच्चों की फेवरेट रेसिपी ही क्यों ना खिलाई जाए, तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट किया हुआ था और उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे चिकन मैरिनेट रहा और ये बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है जो कि मैं इनको एयर फ्रायर में ही बना के देती हूँ।
और मैंने काफ़ी लोगों को ये रेसिपी बताई है, और जिन जिन को रेसिपी बताई है उनके बच्चों ने इतने शौक से खाए ना, और ना इसमें कोई मिर्ची है, ना इसमें कोई स्पाइस ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती है। यहाँ पे जो मैरिनेट हो गया था मैं इसको एयर फ्राई में रख रही थी, और यहाँ पे जो है ना वो फिल्म इंजॉय हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको एयर फ्राई में रख लिया है, और उसके बाद मैं इसको एयर फ्राई में रख जो है वो इसको हीट करूँगी, यानी कि वो एयर फ्राई में बन जाएगा। तकरीबन इसके ऊपर जो है वो 25 मिनट लगते हैं, तो तब तक जो है वो मैं आपको बता दूँ जिनकी रिक्वेस्ट आई थी कि बंडल को मैंने उस वक्त कैसे बांधा था। अच्छा जी, यहाँ पे इस बंडल को मैं यहाँ पे खोल रही हूँ, और खोलने के बाद ही इसी बंडल को ही मैं आपको बता देती हूँ कि खाला ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, जिससे इस जो है ना बंडल काफ़ी मज़बूत सा बन जाता है, और अगर आप इसको कहीं भी लेके जाओगे, उठाओगे, गिराओगे, तो बंडल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। यहाँ पे बंडल को पहले दोनों कॉर्नर से पकड़ के इसको अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर लेना है, और फिर एक उधर का कोना पकड़ना है और दूसरा जो है वो इस साइड का कोना पकड़ना है। तो इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर लेना है, और जो बंदा मतलब एक दो कोने कॉर्नर्स पकड़ेगा और ऊपर वाला जो दूसरे ने पकड़ा हुआ उसको जो है वो अच्छी तरह से जो घेरा लगाएगा, और जब अच्छी तरह से टाइट घेरा जो है लग जाएगी, तो दूसरा जो हम लोगों ने कॉर्नर्स पकड़े थे तो इसको जो है अच्छी तरह से घेरा यहाँ पर लगा देनी है। तो यही से ये होगा कि इसके सारे चारों कॉर्नर्स है ना, जो सारे 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 जिसके सारे कॉर्नर्स है ना वो आपस में हो जाएंगी बंद, और जिसकी वजह से कहीं से भी ना कपड़ा गिरना या सामान गिरने की ना प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ये खाला ने बड़ा अच्छा सा ये आइडिया दिया, क्योंकि इसमें काटन से ज़्यादा सामान जो है ना वो पैक हो जाता है। अब जहाँ तक रही इसको उठाने की बात, तो यहाँ पे ना बंदा ही जो है ये मेहनत करके इसको जो है ना अच्छे से उठा सकता है, और शोल्डर्स के ऊपर जो है ना वो आप इसको ग्रिप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है कि इसको उठाएं। लेकिन यकीन करिए, इतना वजनी बंडल है ना, ये बंडल जो है नहीं उठाया गया। तो कोई मेल पर्सन इसको आराम से इस डबल गिरा को अपने शोल्डर पे रख के और बैक साइड पे आराम से जो है ना स्टेयर्स भी चढ़ सकता है, क्योंकि सामान जो है ये सारा स्टेयर्स चढ़ के ही आया है। तो आपने जो रिक्वेस्ट की थी आप बता दीजिएगा, अगर कोई और आपको ज़रूरत है पूछने की तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बस इतनी सी ये बात है कि यहाँ पे हम बेडशीट्स को या कोई भी आपके पास रफ़ कपड़ा है उसको ऐसे बंडल के तौर पे जो है वो कैसे यूज़ किया जा सकता। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आप भी अपने बच्चों को मज़ेदार रेसिपी बना के खिलाइएगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।